है, मगर सटीक हम बता दे मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला ऑटो चालक बन्ना गुप्ता। आपके पास एविडेंस है क्या? इसमें एविडेंस का क्या चैलेंज हम कर रहे हैं? आप जाइए पूछिएगा मथुरा उत्तर प्रदेश के है कि नहीं आपका पूर्वज, और वो खुद बोल रहे थे संस्कार हुआ है हम बाहरी कैसे है। ठीक, तो हम लोग जो अभी जो नीति जो पूर्व सरकार ने बनाया था, और हम लोग खास करके जिसका डिमांड कर रहे हैं कि आप भारत का नागरिक और झारखंड का निवासी कर दीजिए, ठीक समझिए पॉइंट, उसमें बन्ना गुप्ता भी आ जा रहे हैं भाई, आपको नहीं भगा रहे हैं, झारखंड का निवासी वही अभी हो जाएगा जो रघुवर दास किया है, अभी जैसे उसी में आ जाएगा, इसीलिए उसको हम नहीं भगा रहे हैं। आप गुप्ता जी आप भी रहिएगा उसमें, जोड़ दीजिए, आप गुप्ता जी को पूछिएगा कि आपका आवासीय नहीं है, रेसिडेंटियल नहीं है, जरूर है। ऊपर से क्या बोल रहा है कि चेक में सिग्नेचर करने लाए हो, हमारा समर्थन पत्र उसको चेक नजर आता है, मतलब सोचिए इसी स्तर से कितना लोग लूटता होगा, समर्थन पत्र भी ये लोग को चेक नजर आता है। क्या समर्थन पत्र मांगते हैं जब साइन करने गए, उसमें पैसा उसका तो नहीं ना मांग कर दिए? क्या पैसा मांगा, हम लोग तो राज को बचाने के लिए मांग हो रहा है, ये सब गन्ना बनना चन्ना लोग का पैसा मांगा, हमारा राज है, हम राज का मालिक है, ये धरती मेरा है, ये पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन हमारा है, छाती फाड़ के देख लीजिए यहाँ से पहाड़ पर्वत यहाँ की नदी नाला झरना दिखेगा आपको। वो नहीं देंगे, क्या कुछ वजह रहा है, क्या क्यों नहीं देना चाहते वो 40 के समर्थन को? देखिए पांच लड़का जाता है, छह लड़का उन लोग को जो है उसका बॉडीगार्ड द्वारा उन लोग को धकेल के बाहर कर दिया जाता है। हमारा राज जो खनिज संपदा से भरा हुआ है, पहाड़ पर्वत इन लोग बेच रहे हैं, और इन लोग पास जब जाइएगा तो बोलिएगा कि लेटर हम लोग को लिखवाना है, तो बोले साहब सो रहे हैं। अरे आप 24 घंटा के लिए झारखंड के जनताओं के लिए चुने गए हैं, और आपको हर गांव में आग जल रहा है और आपके पास आएगा तो बोलिएगा कि साहब सोने दीजिए, ये कहाँ के नियम है? आप झारखंड के जनता नहीं है क्या, इसलिए शायद भगा दिया गया आपको? वही बात है ना, अब झारखंड के ही छात्रों का ही सोचना है, यहाँ के जनताओं का सोचना है कि आप नौकरियों में ही बहाली दे रहे हैं। अभी देखिए सोनी कुमारी की बात कर रहे हैं, उसका कटअप भी पार नहीं कर पाया, उसका नौकरी हो गया। बताइए कि यहाँ इतना सिस्टम खराब है यार, यहाँ पढ़े लिखे जो नौजवान लड़का सड़क में घूम रहे हैं, झोला छाप इधर उधर घूम रहे हैं, अब बताइए कि क्या होगा राज्य का दुर्दशा क्या होगा, यहाँ थर्ड फोर्थ ग्रेड के नौकरियों को बेच दिया जा रहा है, तो यहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे? सोनी कुमारी की तो हरगिज नहीं होना चाहिए, अरे उस केस करके उसका मतलब कोई उसका है ये नहीं है, वो नया सिस्टम एक अपना ली है कि हम केस करो अब झारखंड में नौकरी लो, अब वो नया सिस्टम आ गया, वो नया सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो सोनी कुमारी के हरगिज नहीं होना चाहिए, जिसका कट ऑफ पार है उसका नौकरी होना चाहिए, और ये झारखंड में सीटों की संख्या बढ़ा जो बेचा जा रहा है उसको रोक लगना चाहिए, और सचिवालय पहले नीति बने तब नियुक्ति बने, पहले नीति बने तब नियुक्ति, आपका नीति है ये नहीं तो नियुक्ति फिर किसको दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा, और सचिवालय का जो है सिलेबस आपको बदलना पड़ेगा, झारखंड का 100% मतलब जो 100 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा झारखंड के पेपर उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के छात्र जब सरकारी स्कूल में जाएगा तो मैथ ना इंग्लिश का टीचर ना मतलब सही रूप से देखा जाए तो एजुकेशन जो होता है नहीं दिया जाता है, इसलिए झारखंड के बारे में जानता है लड़का यहाँ का, इसलिए झारखंड के एक पेपर एड होना चाहिए, मेरा मांग है और ये चीज़ होना ही चाहिए। क्या वाकई में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो पहले ऑटो चलाया करते थे क्या? अगर वो चला करोड़पति बन गया इसलिए गर्मी नहीं कर रहा, शायद अगर यदि तो चला रहा था झारखंडी जनता ने यहाँ जीता के मंत्री बना है, करोड़पति बन चुका है, तब उसका जो गर्मी है ना वो निकल रहा है, समझे? ऑटो चलाते अगर यदि तो झारखंड के जो जनता है उनका दुख दर्द पीड़ा समझने का काम करते हैं, हमको लगता है तो ऑटो तो नहीं चलाते नहीं, 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 और बहुत कोई को पता नहीं है, बहुत को हम सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई कमेंट है बाहरी है ही है, मगर सटीक हम बता दे मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला ऑटो चालक बन्ना गुप्ता। आपके पास एविडेंस है क्या? इसमें एविडेंस का क्या चैलेंज हम कर रहे हैं, आप जाइए पूछिएगा मथुरा उत्तर प्रदेश के है कि नहीं आपका पूर्वज, और वो खुद बोल रहे थे कि मेरा पूर्वज का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ है हम बाहरी कैसे है। ठीक, तो हम लोग जो अभी जो नीति जो पूर्व सरकार ने बनाया था, और हम लोग खास करके जिसका डिमांड कर रहे हैं कि आप भारत का नागरिक और झारखंड का निवासी कर दीजिए, ठीक समझिए पॉइंट, तो उसमें बन्ना गुप्ता भी आ जा रहे हैं भाई, आपको नहीं भगा रहे हैं, झारखंड का निवासी वही अभी हो जाएगा जो रघुवर दास किया है, अभी जैसे उसी में आ जाएगा, इसीलिए उसको हम नहीं भगा रहे हैं, आप गुप्ता जी आप भी रहिएगा उसमें, जोड़ दीजिए, आप गुप्ता जी को पूछिएगा कि आपका आवासीय नहीं है, रेसिडेंटियल नहीं है, जरूर है, कारण 85 क्राइटेरिया जो फुलफिल सबका बन रहा है उनका भी है, तो इसीलिए वो भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका माता पिता आप यहाँ पैदा हुए हैं, आपका माता पिता के यहाँ अंतिम संस्कार हुआ है तो आपको भगो मथुरा, मथुरा नहीं भगा रही पी, आप भी झारखंडी मार रहे हैं हम लोग, मगर यहाँ जो है जो बैठ चुका है जो 85 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो लोग भर कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो ओपन कर दिया है और हरियाणा में इंस्टीट्यूट चल रहा है,
मथुरा में मतलब ये आगरा में कोचिंग सेंटर में पढ़ाई चल रहा है, पटना के कोचिंग सेंटर में पीजीटी का पढ़ाई चल रहा है, ये तो नहीं होता। यहाँ जो बाहरी लोग है जो 50 करोड़ जन्म पैदा हुआ है, बड़ा पढ़ा, वो लोग भरे ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ये सवाल ये है, और ये जोड़ देने से उन लोग को भी मतलब उन लोग को भी भरने को मिल जाएगा, और बाहर से जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो तो रुक जाएगा। जब 50-80 विधायक में से 50 विधायक का समर्थन प्राप्त हो गया, क्या उस 50 में से माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आप लोगों का बात विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे कभी? जो खुद ही उठाएगा ही, जब जब ये मैट्रिक और जो मैट्रिक वाला स्थानीय नीति जब हाईकोर्ट ने रद्द किया तो तभी खुशी मना रहा था। जब 32 वाला राज्यपाल ने कुछ बिंदु पर असहमति जता के रिटर्न कर दिया तो खुशी मना रहा था। ये बात उठाएगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये एकदम उल्टा ही बात कर दे रहे। हम बन्ना गुप्ता को ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब बोलते हैं कि मेरे पिताजी का यहाँ अंतिम संस्कार, माता जी का कौन बाहरी है, तो हम जिस मतलब इस पे बात कर रहे हैं स्थानीय लागू करने का, भारत का नागरिक का झारखंड का निवासी, उसमें वो भी आ जा रहे हैं, उसको नहीं भगा रहे हैं। मतलब अभी जो बाहर से अप्लाई हो रहा है ना, जैसे आप कहाँ जो हम हरियाणा का देखें कौन शहर, वहाँ कोचिंग में मतलब पीजीटी का क्लास चल रहा है, पटना में चल रहा है, आपका राजस्थान का है वो क्या कोटा जयपुर नहीं, वहाँ का कोई कोचिंग है वो पढ़ा रहा है, ये सब तो बंद हो जाता ना जी, जो यहाँ है वही भरता ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरह से जेएसएसयू के छात्र 60-40 समर्थन पैड पर जो अपना समर्थन पत्र नहीं दे रहे, उनका पूर्ण रूप से पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है राजधानी रांची में, और तमाम जो जेएसएसयू के छात्र हैं वो आक्रोशित हैं और बार बार कह रहे हैं कि साहब 60-40 नए चल तो। बाकी नमस्कार, जय हिंद।